मोदी नगर निवाड़ी पुलिस पर लगा जबरन आम ले जाने का आरोप। आम व्यापारियों ने लगाए गंभीर आरोप। चोरी के मामले में आपने अजीब अजीब किस्से सुने होंगे तथा पुलिस द्वारा भी अजीबोगरीब प्रकार के खुलासे होते रहते हैं, परंतु ताज़ा मामले में पुलिस का एक विचित्र कारनामा देखने में आ रहा है। सनी कुमार। सनी क्या हुआ? सर जी मेरा माल खरीदा हुआ रखा है 12 ग्रेड महाराज से खरीद के इनकी दुकान पर रखी हुई थी मेरी, वो उठा कर ले गए। तो ले गया जो पुलिस वाले यहाँ पे आए हुए, मैं मौजूदा था नहीं। अच्छा, तो लगभग कितने पुलिस वाले बता रहे थे? मेरा माल लग रहा था इनकी दुकान पे जो 12 ग्रेड इनसे खरीदी हुई थी। अच्छा, तो जबरन ले गए, क्या कह के ले गए? सर जी जब मैं था नहीं, माल ले गए मेरा। क्या कह के ले गए? आपने पूछी होगी ना क्यों ले गए, कहाँ ले गए, कहाँ रहते हैं, क्या हुआ आपके साथ में जो आम चोरी का मामला जो है? साहिबाबाद जा रहे हैं, कुछ कच्चा पक्का थोड़ा सा ना यहाँ आ रहे हैं। सांझ के टाइम पे हमारी गाड़ी साहिबाबाद की जो लग रही थी उसमें माल यहाँ कच्चा पक्का तार का है, हमारी गाड़ी तो चली गई और मैं यहाँ मौजूद था जो हमारी 12 ग्रेड की तारी थी, उन्हें ठाके ले गए ना करी के, ये तो हमारा माल है। कौन ले गए? ये पुलिस ही। क्या कह रही थी पुलिस? पुलिस ने कह रही है तो उनका माल है। किन का? किसी का चोरी हुआ होगा। आपने बताया था कि हमारा माल है। हाँ हमारा माल है। फिर क्या कहा आपसे? उन्होंने कह रहे ये चोरी का माल है, जबरन ले गए। जबरन ले गए। किस तारीख की बात है ये? 20 तारीख की है। कितने बजे? ये तो शाम को 7:45 बजे की बात है। आपने बताया कि जब आपने ये कहा था तो उसके बाद पुलिस ने कहा था आपको बंद कर देंगे? बंद करने को तो धमकी दे रहे थे। क्या कहा था? माल को उठा के ले जाते थे। दूसरे कौन है? ये आपका? मेरा दाऊद नाम है। कहाँ रहते हो? मैं उल्लन रहता हूँ। ठीक है, अब हम मंडी में आपके साथ में जाओ। मंडी में साहब माल लाता हूँ, माल रह गया कुछ मेरा अगले दिन के लिए बेचना है। इस चीज का माल है? हाँ, शाम के टाइम में पुलिस का ऐसे ही वो हुआ ना, मुझे ये भी माल चोरी का, मेरा बाग ईसेपुर है साहब। क्या हुआ फिर उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद में? यहाँ का माल जो मतलब दिन में बिका था उसमें रह गया था थोड़ा बहुत। कितना था? कितना बच गया था? करीब 12 करेट में बचा था वो रखा रहा था यहीं पे। शाम के टाइम में कोई ऐसी बात हुई ना, ये भी माल चोरी का है। कितने पुलिस कर्मी थे? करीब चाहे 20-25 ना हो, विनती थोड़ी हुई है। पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा ये भी माल चोरी का है। हम बोल रहे कि हमारा है माल, मगर नहीं चोरी का माल है ये। अच्छा, तो जबरन आपसे चोरी? हाँ, वो ये है कि चोरी में तुम भी जाओगे, आप भाग ले रखा हमने तो हम कैसे जाएंगे चोरी में। तीसरे को बुलाओ जी। फिर क्या हुआ? मेरी खरीद का माल लगा। रुक जाओ, नहीं नहीं माल ले जाने। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मीडिया में भी चल रहा है कि 5-6 दिनों से एक प्रकरण हुआ था आम चोरी का। पड़ोस के निवाड़ी थाने से रात में कुछ आम की चोरी हुई और पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया कि वो चोरी का माल हमारी मोदी मंडी में उन्होंने बरामद दिखाया है। उस विषय में दो बातें विशेष तौर पर करने के लिए हमने आप लोगों को आज आमंत्रित किया है। पहली ये कि आम जो बरामद पुलिस ने दिखाया है, आम का एक किसान ये कह रहा है कि वो तो साहब मेरा माल है सारा, चोरी के माल से अलग, ये तो मेरा अपना माल है। पुलिस यहाँ पर आई और उस आम को यहाँ उठा करके ले गई, उसने विरोध भी किया तो पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। तो एक तो उस किसान का ये कहना है कि साहब ये मेरा माल है, वो चोरी का माल हुआ होगा वो अलग विषय है, लेकिन वो माल अपना बता रहा है। वो किसान यहाँ पर अभी है, वो आपसे बात करेंगे, उससे आप उससे पूछताछ कर लेंगे। दूसरी बात हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस मंडी में किसान अपना माल लेकर के आते हैं, मंडी के गेट पर हर माल की आवक दर्ज करती है सरकार द्वारा, वहाँ पर लोग बिठाए हुए हैं, सब मंडी समिति है, वो गाड़ी का नंबर, उसमें किसका माल आ रहा, किस दुकान पर जा रहा, वो सारा गेट पर एंट्री हो जाती है। और हर दुकान पर जब आके माल बिक रहा है तो आड़ती का काम केवल इतना है कि किसान का माल आया है और उसको लेने वाले के लिए वहाँ पर पैकार मौजूद है, आड़ती मीडिएटर रूप में केवल बोली लगा करके उस माल को बेच देता है। तो आड़ती कैसे इस चीज़ को पता करेगा कि चोरी का माल है? इस तरह से तो पूरी मंडी में रोज पूरे देश में खरीद फरोख्त सब्जियों की, फसल की, अनाज की हो रही है, तो आड़ती के लिए पता कर पाना कि ये माल चोरी का है मुझे नहीं लगता इतना आसान बात हो सकती है। तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे आड़ती भी हैं जिनको पुलिस ने आरोप लगा करके इसमें आरोपी बनाया, उनको आप उनसे अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, और जो किसान अपना माल बता रहे हैं आप उनसे अपने सवाल जवाब कर सकते हैं।